स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बेटमा में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत शाला में प्रधान अध्यापक रामेश्वर मंडलोई ने छात्राओं को स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने के लिए जैसे दातुन करना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, प्रति सप्ताह नाखून काटना, भोजन से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना और खुले में शौच नहीं करना, शाला परिसर स्वच्छ रखने के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी छात्राओं और स्टाफ सदस्यों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। शपथ के पश्चात नगर में स्वच्छता जागरूकता के लिए हितेंद्र शर्मा और अनिल परमार के मार्गदर्शन में नगर में रैली निकालकर स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत आज स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारम्भ दिनांक 1 सितम्बर 2019 से 15 सितंबर 2019 तक का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज सर्वप्रथम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विद्यालय की समस्त छात्राएं और समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई गई। साथ ही स्वच्छता के तहत बेटमा नगर में एक विशाल छात्राओं के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली में सभी छात्राएं स्वच्छता संबंधित नारे लगाते हुए सभी नगरवासियों को स्वच्छता के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम किया गया। मैं सदस्यों से यह आह्वान करता हूं कि स्वच्छता पखवाड़ा में भरपूर सहयोग कर नगर को स्वच्छ बनाएं। मैं रामेश्वर मंडलोई, प्रधानाध्यापक शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बेटमा, विकासखंड देपालपुर, जिला इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।